नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 इनफैक्ट 51 मिनट हो रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर गूंज। आज कौन सा मुद्दा गूंज में गूंजने वाला है वो आपसे कुछ ही देर में आप देखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि आज की सारी बड़ी खबरों से आप रूबरू हो जाए, यानी अब तक की आज की जो खबरें आपने मिस की है और नहीं की है तो क्यों, इन खबरों पर नजर आपकी रहने जरूरी है वो मैं आपको बता देना चाहती हूं। सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया अरविंद केजरीवाल को, यानी अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। ईडी ने कोर्ट में आज ये कहा कि उन्हें ईडी की कस्टडी नहीं चाहिए, यानी ईडी को अब उनकी कस्टडी नहीं चाहिए क्योंकि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसीलिए अब जो है वो ये चाहते हैं कि मसले पर आगे कार्रवाई करते हुए तब तक इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के हवाले से ईडी ने एक अहम खुलासा करते हुए कहा है कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर, जिस पर साउथ लॉबी और दिल्ली सरकार के बीच शराब नीति की डील करवाने का आरोप है, वो केजरीवाल को नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट किया करता था। आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी नजर डाल लीजिए, ये कोर्ट ही से आई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस को आईटी नोटिस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में आयकर विभाग ने कहा कि लोकसभा चुनाव तक विभाग कांग्रेस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि जो राहत कोर्ट से कांग्रेस को मिली वो ये है कि सियासत में नहीं, लेकिन जो है ये कह दिया गया है कि आयकर विभाग सुप्रीम कोर्ट में बकायदा इस मसले को लेकर जानकारी दे। चुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ी राहत मिल गई है। अब कच्चा तीवू द्वीप को लेकर भी एक बड़ी खबर आई। भारत और श्रीलंका के बीच जो ये कच्चा तीवू टापू स्थित है उसका स्वामित्व श्रीलंका को देने को लेकर बीजेपी बड़ी हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कच्चा तीवू मामले को उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस देश की अखंडता से हमेशा खिलवाड़ करती रही है। दरअसल इंदिरा गांधी सरकार ने कच्चा तीवू को श्रीलंका को सौंप दिया था। चौथी खबर जो है वो बिहार से आई, जहां लालू यादव और कांग्रेस के गठबंधन के चक्कर में पप्पू यादव फंस गए और पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में जाने के बावजूद चुनाव लड़ने पर वो अड़े हुए हैं। पप्पू यादव कांग्रेस से पूर्णिया में एक फ्रेंडली फाइट की मांग कर रहे हैं। वहीं पांचवी बड़ी खबर जो है वो बीजेपी के 400 पार के नारे से जुड़ी हुई है, जिससे कैसे पूरा किया जाएगा अब हर किसी के जहन में है। उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ साफ बता दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि दक्षिण में बीजेपी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी और वहीं से 400 पार का रास्ता भी साफ होगा, और इसीलिए आज की गूंज इसी खबर पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को एक तमिल भाषी न्यूज चैनल को 2024 के लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद पहला इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री की जो ड्रेसिंग स्टाइल थी वो एकदम तमिलनाडु के परंपरागत ड्रेसिंग स्टाइल से मैच करती थी। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने पहले अपने साक्षात्कार में ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि 2024 की लड़ाई वो किसके भरोसे मैदान में उतर रहे हैं। जिस भरोसे के साथ 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो भरोसा कहां पर, उसका केंद्र बिंदु कहां पर है? भरोसा दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी अपने बूते 370 पार करेगी और दक्षिण भारत के नतीजे से बीजेपी सबको चौंकाएगी। क्या ऐसा होगा? क्या ये संभव है? दरअसल बीजेपी साल 2014 और 2019 में उत्तर भारत के राज्यों में लगभग सारी सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। उसके बाद भी अगर बीजेपी खुद के आंकड़ों को बढ़ाने का दावा कर रही है तो जो सबसे बड़ा रास्ता है वो साउथ ही से निकलता है, क्योंकि दक्षिण भारत के 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उसमें लोकसभा की कुल 132 सीटें हैं। इनमें से 2019 में बीजेपी को 29 सीटें और 18% वोट मिला था। इंडिया के अगर उस पूरे गठबंधन को देख ले तो 65 सीटें 37% वोट मिला था, और अन्य के खाते में आप देखिए 38 सीटें आई थी और 45% वोट गया।
यानी 132 सीटों में बीजेपी के पास 103 सीटें अपने 2019 के आंकड़े के मुताबिक और पाने का मौका है। लेकिन बीजेपी साउथ को लेकर जो दावा कर रही है वो एक रात का सपना नहीं है, बल्कि उसके लिए पूरी रणनीति पर काम किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, बीजेपी के रणनीतिकारों की मेहनत, ये क्या वाकई वो जो सपना है वो पूरा करवा पाएगी, इस पर बहस करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पिछले कई महीनों में इन 132 सीटों पर जो मेहनत चल रही है वो आपके सामने रखती है। इस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या किया है। जनवरी 2 और 3 कहां कहां का दौरा किया था, तमिलनाडु का, लक्षद्वीप का और केरल का। भारत के राज्यों में 16 दिनों की 7 यात्राएं, जिसमें राम मंदिर के उद्घाटन से पहले लगातार 3 दिनों का दौरा जो है वो इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री की यात्राओं के अलावा हर दक्षिण के राज्य के लिए बीजेपी ने एक अलग रणनीति पर काम जो है वो कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन बातों और मुद्दों पर फोकस किया गया जो ग्राउंड लेवल पर बीजेपी को स्थापित कर पाए। तमिलनाडु में आप देखिए ना, बीजेपी ने खुद का कैडर बेस जो है वो मजबूत करने की कोशिश की, अन्नामलाई के रूप में बड़ा चेहरा क्रिएट किया गया और ये रातों रात नहीं हुआ, लगातार काम इस पर होता रहा, छोटी पार्टियों के साथ जो है वहां पर गठबंधन किया। ये बीजेपी दक्षिण से उम्मीद लगाने के पीछे जो होमवर्क कर रही है वो आपको बता रही है। कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन से उसे फायदा होगा, कैसे फायदा होगा अभी हमें बकायदा जो है यहाँ इस डिबेट में पता लगाने के पूरा का पूरा मौका मिलेगा। जमीन पर आरएसएस की मौजूदगी का उसे फायदा क्या मिलेगा और बड़ा मलयालम स्टार का जो चेहरा उभर कर वहां पर सामने आया है, क्या वो फायदा पहुंचा सकता है, ये वो तमाम चीजें हैं जो बीजेपी बार बार फ्रंट फुट पर आकर ये कहने की कोशिश कर रही है कि हमारा ये होमवर्क है, हमारा ये काम है और इसी वजह से हम 400 पार जा सकते हैं। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहाँ बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ गठबंधन से फायदा हो रहा है। पवन कल्याण की जनसेना लंबे वक्त से बीजेपी की सहयोगी रही है, पवन कल्याण का आंध्र और तेलंगाना में अच्छा खासा प्रभाव है। तेलंगाना में केसीआर के बीमार होने और सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी साबित करने में वहां पर लगी हुई है। इससे बीआरएस के वोट बैंक पे बीजेपी सेन लगाने की जो है उम्मीद वहां पैदा करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी के सीधी टक्कर के कारण वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा जो है वो हैदराबाद के एक क्षेत्र में बीजेपी को पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि मिल सकता है। अगर कर्नाटक की बात करें तो ये इकलौता राज्य है जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में पहले से है। 2019 में बीजेपी ने अकेले कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीती थी, हालांकि इस बार बीजेपी ने जेडीएस से भी गठबंधन कर लिया है। तो क्या ये सब उस तरफ इशारा कर रहा है कि 400 पार दक्षिण इस बार बनेगा द्वार? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके मैं उनसे आपका तारुफ करवाती हूँ गूंज में। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल आपके सामने रख देना चाहती हूँ, और ये बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी बहस रहने वाली है, सारे खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला सवाल ये कि दक्षिण में बीजेपी की उम्मीद की वजह क्या है? कुछ जो पॉइंट्स बीजेपी बार बार बताती जताती रही है वो तो आपके सामने रखे, लेकिन उम्मीद की सबसे बड़ी वजह क्या दिख रही है? बीजेपी की रणनीति को विपक्ष समझ क्यों नहीं पा रहा है, दूसरा बड़ा सवाल। और तीसरा ये कि उत्तर भारत जैसा नतीजा दक्षिण में क्या वाकई बीजेपी जो कह रही है कर पाने की स्थिति में है, कर पाएगी? डिबेट की मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल दर्शकों से भी लेना जरूरी है। सवाल ये कि दक्षिण से बीजेपी को क्यों उम्मीद है, आपको क्या लगता है? मोदी पर भरोसा नया विकल्प, मोदी पर भरोसा ये पहला आपके सामने ऑप्शन, नया विकल्प ये दूसरा ऑप्शन, और पता नहीं, इनमें से आप किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। एंड में ये रिजल्ट जो है हम अनाउंस करने वाले हैं। और अब जो इन सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान इंतजार कर रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता